तो बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मूल मुद्दों से भटकाने की यह कोशिश दरअसल आपकी है। सुशांत बेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आप वहां पर मौजूद हैं शायद जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। कि दिल्ली की जनता को जो खजाने हाँ, देखिए नेहा, इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतर चुकी है। हर गली मोहल्ले के अंदर बीजेपी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद हो चाहे बीजेपी हो के तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, वो तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आदेश गुप्ता है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। सर, ये बताइए कि आरोप लग रहा है खरीद फरोख्त का बीजेपी के ऊपर। देखिए, दिल्ली की भ्रष्ट शराब नीति के खिलाफ ये एक आंदोलन है, और जिस तरह से भ्रष्ट शराब नीति है उस भ्रष्ट शराब नीति में जब वो हजारों करोड़ के घोटाले में फंस गए हैं, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए वो तमाम तरह की नौटंकी ड्रामे कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आपके ड्रामे बहुत जनता ने देख लिए हैं, लेकिन अब सच जानना चाहती है और ये जवाब जानना चाहती है कि दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा आपने शराब माफिया को क्यों लुटाया, क्यों दिल्ली के खजाने को शराब माफिया के लिए लुटने के लिए छोड़ दिया। इस बात का जवाब दीजिए आप। दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है कि रिहायशी कॉलोनी में आजादी के बाद कभी भी ठेके नहीं खोले गए, पहली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोले। आज दिल्ली की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है देश, और दिल्ली के लिए आज आम आदमी पार्टी अभिशाप बन गई है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। नेहा, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और यहाँ से पूरा पैदल मार्च 1 से 1.5 किलोमीटर का बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो करेंगे। पुतला जो है वो इस तरीके का बनाया गया है हर इलाके के अंदर, ताकि प्रदर्शन जो है वो शामिल हो। और तमाम यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर इलाके के अंदर अगर कहा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ता इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो नेहा कर रहे हैं। सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पूरे इस मामले के अंदर जो है वो इस्तीफे की मांग जो है वो यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जरा आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, और ये भी बात पूछे क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं कि कई ऐसे विधायक जिनको खरीदने की कोशिश हो रही है, जिन्हें ऑफर आया है, तो क्या कोई संपर्क हुआ है किसी विधायक से? देखिए, निश्चित तौर पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए अब ये जो प्रदर्शन है वो पूरा इस इलाके में आपको नजर आएगा। किस तरीके से आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके के पुतले जो है वो बनाए गए हैं। लगातार हम कोशिश करेंगे, तमाम जो नेता है वो आपको नजर आएंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप निश्चित तौर पर लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, बात करिए इनसे, बात करिए क्या कह रहे हैं। कुछ सदस्य वहाँ पर माइक पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी तमाम कार्यकर्ता है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चालू है। ये बताइए कि सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं आप सबके ऊपर की खरीद फरोख्त हो रही है विधायकों की? नहीं, देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, ये इनकी पुरानी मॉडल ऑपरेंडी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला किया है। ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं, ये पुराना तरीका है। मैं ये कहूंगा केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, तरीकों को बदलो, ऐसे ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। दिल्ली की जनता अब सीधी आपकी आंख में पूछ रही है घोटाला क्यों किया, जवाब दो, क्या हुआ, इस पे सवाल हो रहे हैं। आदेश गुप्ता भी है लगातार, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए नेहा, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर बीजेपी आक्रामक जो है वो सड़कों पर नजर आ गई। आदेश गुप्ता जी भी है यहाँ पर और तमाम कार्यकर्ता। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में दिल्ली के हर इलाके में इस तरीके की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को गुना रही है, ताकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर ये कहती नजर आ रही है कि वो शिक्षा के मॉडल पर काम कर रही है।